बात होती है। चौथा संकेत, समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने इतनी माथापच्ची के बाद मात्र 29 कैंडिडेट की घोषणा की जब उन्होंने पहली लिस्ट निकाली। पहली लिस्ट में मात्र 29 कैंडिडेट, दूसरी लिस्ट में मात्र 7 कैंडिडेट, यानी समाजवादी पार्टी और आरएलडी अभी तक मात्र 36 लोगों के नाम तय कर पाई। और उधर बीजेपी जो है वो पहली ही लिस्ट में 107 कैंडिडेट के नाम घोषित करती है और कहती है योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ेंगे। अब इसको कंपैरिजन को आप समझिए, अखिलेश यादव बेसिकली अगर इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है जैसा वो दावा कर रहे हैं, तो वो इतनी माथापच्ची करके मात्र 36 कैंडिडेट नहीं चुन रहे होते। तब तो ऐसी लहर होती जैसा वो दावा कर रहे हैं कि तू खड़ा हो जा तू भी जीतेगा, तू खड़ा हो जा तू भी जीतेगा। लेकिन अखिलेश यादव और आरएलडी के लिए मुसीबत सोचिए कितनी है कि उनको बीजेपी के खिलाफ एक बढ़िया कैंडिडेट ढूंढने के लिए दिन लग जा रहे हैं, कई कई दिन लग जा रहे हैं। और बीजेपी क्लियर मैसेज दे रही है कि देखिए हम हमारे खिलाफ एंटी इनकमबेंसी है या नहीं, आप इस बात से तय कर लीजिए कि एक बार में 107 को टिकट दिया, एक बार में 107। और उससे भी बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ को, जिनको अखिलेश यादव और उनकी मीडिया जो है वो ये मैसेज दे रही है कि गोरखपुर भेज दिया, घर वापस भेज दिया। अगर घर ही वापस भेजना होता तो योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर की जो टिकट जिस सीट से लड़ने के लिए कहा गया है वहां चुनाव होना है छठे फेज में, तो बीजेपी जो है वो आराम से बैठी रह सकती थी और बाद में अनाउंस करती कि योगी जी गोरखपुर से लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है, जिस मुख्यमंत्री को छठे फेज में चुनाव लड़ना है उनका नाम पहली लिस्ट में निकाल दिया कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर से लड़ेंगे। क्लियर मैसेज कि हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो कॉन्फिडेंट है कि वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, इसलिए पहले फेज में नाम घोषित किया। हम 107 का नाम घोषित कर रहे हैं, हमको कोई चिंता नहीं कौन छोड़कर जाएगा नहीं छोड़कर जाएगा, हम जो है वो काम किए हुए इसलिए हम कॉन्फिडेंट है। और समाजवादी पार्टी जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है, ये इस बात से निकल कर आता है कि इतनी माथापच्ची के बाद आप मात्र 36 कैंडिडेट, और अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे अभी तक नहीं बता पा रहे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहां है अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि समाजवादी पार्टी आ रही है तो पहले अपना नाम घोषित करते जैसे बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ का किया। ये कंपैरिजन कीजिए, ये सब पढ़ना पड़ता है, पॉलिटिक्स में समझना पड़ता है, तब समझ में आता है कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है, वरना आजकल मीडिया हवा बना के निकल जाती है।